तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है। चीन पर राहुल गांधी के इसी बयान पर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल राहुल गांधी ने लद्दाख में जाकर चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था, जिस पर बीजेपी कांग्रेस पर चौतरफा वार कर रही है। वहां जाकर के भारत को बदनाम क्यों करते हैं? और हमारी सेना ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया। लगता है कि राहुल गांधी जी को एक बार इतिहास उठा करके ये पढ़ लेना चाहिए कि उनके नाना के जमे में कितनी जमीन गई थी। बीजेपी ने जवाब दिया तो कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल के बयान का समर्थन किया और पीएम पर चीन को बचाने का आरोप लगा दिया। इधर अखिलेश यादव भी दबी जुबान में राहुल के बयान के समर्थन करते दिखे। पूरा देश बोल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री को चीन को बचाना है। इसी तरह अगर सरकार, अगर आप वो लेख देखने जाओगे तो भविष्य में हो सकता है आपको चीन से परमिशन मांगनी पड़े। बहरहाल लद्दाख में चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर सीधा हमला किया है, जिस पर दिल्ली का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है।